सारिआं नूं सति श्री अकाल, स्वागत करदी हाँ मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते। मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। जिवें कि तुहानूं पता है, असीं रीजनिंग दीआं क्लासां सिलेबस दे अकॉर्डिंग कवर कर रहे सी। डेली तुहाडी रीजनिंग दी इक क्लास लगदी है, तां जो जिहड़े तुहाडे टॉपिक आ ओह कवर हो सकन, क्योंकि रीजनिंग दा सिर्फ ते सिर्फ इक कंसैप्ट सीखण दी लोड़ पैंदी आ, कोई ज़्यादा प्रैक्टिस दी लोड़ नहीं गी, ते स्टूडेंट अपने आप सॉल्व कर लैंदे आ। ते अज दा जो साडा रीजनिंग दा टॉपिक आ ओह है मैथमैटिकल ऑपरेशन। मैथमैटिकल ऑपरेशन केड़े हुंदे आ? चार मैथमैटिकल ऑपरेशन मेन हुंदे आ, प्लस माइनस गुणा ते डिवाइड। ते मैथमैटिकली ऑपरेशन इन्हां नूं ही बोल दिता जांदा। ते इहदे नाल बेस्ड जो साडे सामने प्रॉब्लम्स आउंदियां ने उहनां नूं असीं सॉल्व करना वा। ते उह प्रॉब्लम्स किस तरहां दीआं दित्तियां हुंदियां, इह तुहाडे सामने MCQ दित्ते होए आ, ते तुसीं अक्सर एग्जाम दे विच देखे वी होणे आ। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी इह वीडियो स्टार्ट करदे आ। जेकर तुसीं किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो नूं भुल के भी ना छड्डियो, क्योंकि सिर्फ एक कंसैप्ट समझण दी लोड़ आ। यकीन मन्नियो, तुसीं अपने आप सॉल्व करोगे इन्हां सब नूं, ठीक है। तो हुण इह मैथमैटिकली ऑपरेशन दे विच इह ऑपरेशन असीं सॉल्व करने आ। बस इह सॉल्व करन दा एक तरीका वा जो असीं सिंपलीफिकेशन दे विच पहलां तुहानूं सिखाउने आ, उह है बॉड मास। बॉड मास सुनिया होना तुसी, बी दा मतलब हुंदा ब्रैकेट। पहला असीं इह सॉल्व करनी आ। ओ दा मतलब हुंदा ऑफ, यानी कि जिथे भी ऑफ पाया ओ गुणा कर दो उन्हां दो नंबरस नूं जिन्हां दे विचकार ऑफ पाया। ए नहीं कि उत्थे गुणा दा निशान पा के छड्ड दो, उन्हां नूं सॉल्व करना, गुणा करना उसे टाइम ही, ठीक है। इस तों बाद की है डिवाइड, मतलब असीं डिवाइड करना वा। मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ए मतलब एडिशन, मतलब प्लस करना। एस मतलब सबट्रैक्शन, मतलब माइनस करना वा। देखो मल्टीप्लाई तो ये विच भी आ गया, तो जिहड़ा ऑफ आ इहनूं असीं मल्टीप्लाई का मतलब की है कि डायरैक्ट नाल ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस करके तुसीं ध्यान रखना, बॉड मास दे इहदे विच कंसैप्ट यूज़ होना वा, हरेक किते होना, हरेक सवाल दे विच होना वा। तो मैं तुहानूं दस दिता, बॉड मास दे रूल दे अकॉर्डिंग पहला असीं ब्रैकेट सॉल्व करते हाँ। ब्रैकेट चाहे वड्डी होवे, छोटी होवे, उस तों भी छोटी होवे, क्योंकि ब्रैकेट कई तरह दीआं आउंदीआं ने, ठीक है। तो ऑपरेशन मतलब ऑफ का मतलब की आ, गुणा, यानी कि पहला असीं गुणा कर देना उन्हां नंबरस नूं जिथे ऑफ लिखिआ। डिवाइड का मतलब की उन्हां नूं डिवाइड कर देना, फिर मल्टीप्लाई करना, एंड ते प्लस अते माइनस करना वा। सो ध्यान देना इस ते, ठीक है। तो तुहाडे सामने लिखिआ होइआ, इस दे अकॉर्डिंग मैं अप्लाई करूँगी इहनूं तां जो तुसीं सीख सको एक बार, जिहड़े स्टूडेंट्स नूं स्किप हो गया। तो क्वेश्चन नंबर वन आ, जेकर गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ माइनस अते डिवाइड का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ गुणा होवे, गुणा मैं पंजाबी च लिख दिता, गुणा गुणा होवे, तो हेठां दिते विकल्प नूं हल करो। तो तुसीं इस समीकरण नूं हल करना जो तुहानूं दित्ती हुई आ। तो सब तो पहलां देखो, जो उन्होंने साइन चेंज करन लई कहा आपां चेंज कर लैने आ। वो कहिंदे जेकर गुणा का अर्थ माइनस, हुण जिथे गुणा पाया उत्थे माइनस लिख दो, ठीक है। गुणा का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ प्लस, जिथे डिवाइड पाया उत्थे प्लस लिख दो, ते प्लस का अर्थ गुणा होवे, ते जिथे प्लस पाया उत्थे गुणा लिख दो। बस काम कुछ भी नहीं, अगे काम रह गया बॉड मास का जो असी सिंपलीफिकेशन दे विच कवर किया हुआ। तो सब तो पहला देखो हुण इहदे अकॉर्डिंग की आ, बॉड मास दे अकॉर्डिंग पहला तुसीं ब्रैकेट खत्म करनी आ। तो ब्रैकेट खत्म करांगे 16 चों 5 कढ़े 11, ब्रैकेट होगी खत्म, प्लस 5 गुणा 5। हुण बॉड मास दे रूल दे अकॉर्डिंग पहला की आउंदा M, यानी कि पहला असीं मल्टीप्लाई खत्म करनी आ, यानी कि गुणा खत्म करनी आ। 11 प्लस 5 5 25, ते 11 प्लस 25 किन्ने होंदे 36, हो गया सॉल्व। कुछ भी नहीं सीगा इहदे विच, बस एक बॉड मास दा रूल लगना, तो दूसरा ऑपरेशन चेंज कर देने आ जो भी साइन हैगे आ, ठीक है। तो ऑप्शन सी इत्थे राइट आंसर है। अगला सवाल तुहाडे सामने लिखिया होया, तुसीं वीडियो नूं रोक के आप करन दी कोशिश कर सकते हो। हाँ जी, सैकेंड सम आ, जेकर माइनस दा अर्थ गुणा, गुणा दा अर्थ प्लस, प्लस दा अर्थ डिवाइड, डिवाइड दा अर्थ माइनस है, तो हेठां दित्ते विकल्प दा मुल पता करो। हाँ जी, तो सब तो पहला कंसैप्ट की है साडा, साइन चेंज करना। तो जेकर माइनस दा अर्थ गुणा, हुण जिथे माइनस आना उत्थे गुणा लिख दो, ठीक है। गुणा दा अर्थ प्लस, जिथे गुणा उत्थे प्लस लिख दो, प्लस दा अर्थ माइनस,
प्लस का अर्थ माइनस, जिथे प्लस दिता हुआ उत्थे माइनस कर दो, ठीक है। फिर उन्हें बोलिया प्लस का अर्थ माइनस नहीं गा, सॉरी, प्लस का अर्थ डिवाइड, प्लस का अर्थ की सी डिवाइड, डिवाइड का अर्थ आ माइनस, तो हूँ असी की करांगे माइनस। क्लीयर होया? एक गल का ध्यान रखना इतने, जिमें इतने लिखे कि माइनस का अर्थ गुणा वा, ठीक है, तो गुणा का अर्थ प्लस आ, इहदा मतलब ये नहीं कि जे तुसीं इत्थे गुणा लिखता इत्थे प्लस पाया तो दोबारा गुणा लिख दोगे, नहीं। तो इस करके मैं रैड मार्कर दे नाल इहनूं लिख रही हाँ कलर चेंज करके, तां जो तुहानूं क्लीयर होवे। हुण बॉडमास दे रूल दे अकॉर्डिंग इत्थे सानूं ब्रैकेट नहीं दित्ती हुई, ठीक है, तां ब्रैकेट नहीं दित्ती हुई, पर बॉडमास की लिखा होया, बॉडमास ध्यान दो, बॉडमास दे रूल दे अकॉर्डिंग इत्थे सानूं ब्रैकेट नहीं दित्ती, ना ही सानूं ओ मतलब ऑफ दित्ता, तो ना ही सानूं बस ब्रैकेट तो ऑफ नहीं दिता, डिवाइड दिता हुआ, तो डिवाइड दिता हुआ मतलब पहला असी डिवाइड खत्म करांगे, 40 प्लस 12 बटा 3 गुणा 6 माइनस 60, ये डिवाइड नू खत्म किया, 40 प्लस 4 तीए 12, 4 गुणा 6 माइनस 60, इस रूल के अकॉर्डिंग हूँ असी मल्टीप्लाई खत्म करांगे। बस यदा मतलब कि बॉडमास का मतलब पहला ब्रैकेट खत्म कर दो, ऑफ खत्म कर दो, डिवाइड खत्म कर दो, मल्टीप्लाई खत्म कर दो, प्लस खत्म कर दो, माइनस खत्म कर दो, ठीक है। हुण देखो 4 गुणा 6, 6 चौका 24 माइनस 60, हुण असी प्लस खत्म करना तो प्लस करते, 6 चौका 24 होंदे, मैं इत्थे 26 लिखता बाय मिसटेक्स, ठीक है, तो ही बन गया 64 माइनस 60 बराबर आ गया 4, तो 4 आंसर, ऑप्शन सी इत्थे राइट आंसर है, ईजी सी के बिल्कुल। अगे सम असी करते हैं, तो इस तो टफ लैवल दे सम भी आते एग्जाम, जिमें इत्थे तुहानू ऑपरेशन पूछ सकते हो कि कहड़े ऑपरेशन का यूज़ होना वा, यानी कि कहड़े साइन का यूज़ होना वा, ठीक है, वह भी असी करांगे, पर इस तो पहला इन इस सम दे नाल दे एक दो सम असी होर करांगे, तां जो तुहाडी प्रैक्टिस हो जाए, ज़्यादातर चांस इन्हां दे ही हुंदे आ, पर जेकर पेपर का लैवल बहुत ज़्यादा टफ होना होवे फिर उस तरह के सम भी आ जाते हैं। हाँ जी, अगला सम तुसी देख सकते हो, मैं तुहाडे सामने लिखे हुए आ बोर्ड ते, ते तुसी वीडियो नू रोक के भी कर सकते हो। तो सब तो पहला देखो, जेकर गुणा का अर्थ माइनस ते डिवाइड का अर्थ प्लस है तो हेठां दित्ते विकल्प नू सॉल्व करो, ठीक है। तो हुण देखो, सब तो पहला गुणा का अर्थ माइनस, तो असीं इत्थे गुणा की जगह पर माइनस पा लिया, डिवाइड का अर्थ प्लस, डिवाइड की जगह पर प्लस, होर सानू कुछ भी नहीं दिता हुआ, पर ध्यान दो मैं सिर्फ रैड मार्कर नाल ही लिखे साइन पे आ मेरे को, जदों उन्हें लिखता कि गुणा का अर्थ माइनस आ, मतलब इस समीकरण के जिथे जिथे गुणा लिखा उत्थे उत्थे माइनस आएगा, ठीक है, तो इतने भी माइनस होगा, नैक्सट भी माइनस, तो डिवाइड का अर्थ प्लस, तो इतने प्लस आएगा। क्लीयर? अगे बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग सब तो पहला असी ब्रैकेट खत्म करांगे, 15 चो 9 माइनस किए मगर बच गए 6, प्लस 12 चो 4 माइनस किए मगर बच गए 8 क्योंकि ब्रैकेट खत्म कर रहे हैं, माइनस 4 प्लस 4 8, क्लीयर, 8 प्लस का वा तो माइनस का कैंसल हो गए, जो आप कह सकते हैं जेकर तुसी ये नहीं समझना चाहते कि मतलब नहीं समझ आ रहा कि कैंसल किमें किए हैं मैं, क्योंकि साइन ओपोजिट है कैंसल करते, तो तुसी डायरेक्ट कर सकते हो, 6 ते 8 किन्ने हुंदे आ 14, 14 दे विच्चों 8 माइनस करने आ तुसी, 6 ते 8 14, 14 चो जो 8 माइनस करोगे 6 ही आंसर रह जाना, ठीक है, इत्थे मैं 8 नाल 8 कैंसल करता सी तो 6 आंसर सी, ऑप्शन बी इत्थे राइट आंसर है। अगला सवाल, जेकर प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस, तो हेठां दित्ते विकल्प नू सॉल्व करो। तो सब तो पहला देखो उन्होंने की बोलिया, साइन चेंज करने सी तो साइन चेंज कर लो, प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, तो जिथे माइनस उत्थे गुणा कर लो, गुणा का अर्थ डिवाइड, हाँ जी गुणा का अर्थ सी डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ सी प्लस, तो इसका मुल पता करना, दसा चो सब तो पहला असी गुणा करना, ठीक है, क्योंकि बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग पहला असी गुणा ही करना वा, तो इतने साढ़े को बन गया 3 दुनी 6 माइनस 3, ठीक है। उस तो बाद देखो
ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਲੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਗੇ 16 ਮਾਈਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ 3 ਪਏ ਆ ਚਾਹੇ 4 ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਆਪਸ 'ਚ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 8 ਅਤੇ 8 ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਂਸਰ 8 ਆਂਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 × 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 3 ਮਾਈਨਸ 2 ਪਲੱਸ 3, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਈਨਸ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਡਿਵਾਈਡ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪਲੱਸ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 10 ÷ 5, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। 10 / 5 ਪਲੱਸ 3 × 6 ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ 3, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 × 5 = 10 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ 6 - 3 ਤਾਂ 8 - 3 ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5। 5 ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਜੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਆ। SSC ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ SSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ 2 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਸ ਇਕੁਵੈਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ 13 ਬਣੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 13 ਬਣੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 13 ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਾਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ 14 ਬਣ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ 14 ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੀ ਲਊਂਗੀ, ਫਿਰ ਸੀ ਲਊਂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੀ ਲਊਂਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 99% ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 80% ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਏ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸੀ ਬੀ ਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਂਸਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਏ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਮਾਈਨਸ 2 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, 3/5 ⁄8 -2 +10, 3/5 ਆ ਜਿਹੜਾ 3 5 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਵੀ 5 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਣਾ ਦੀ ਤਾਂ 6 ਤੀਏ 8 ਆ 24/5, ਇਹ ਆਂਸਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ 13। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 3/5 ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਂਸਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਲਿਖਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 13 ਬਣਦਾ ਤਾਂ 3 5 15। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ,
बटा अठ पांच बटा अठ ही बनया ना भाग का मतलब प्लस दो माइनस दस हूँ तीन पांच पंद्रह बटा अठ पूरे पूरे वंडे नहीं जाते तो यदा मतलब कि यह भी आंसर पॉइंट लैके जाऊगा असी तो तेरह बना मत भी नहीं हो सकता क्लीयर होया अगे देखो हाँ जी नैक्सट सी ऑप्शन चैक करनी है तुसी सी ऑप्शन चैक करने के लिए डिवाइड तो माइनस न बोलिया उन्होंने चेंज करने के लिए जिथे डिवाइड आ उत्थे मैं माइनस लिख रही हाँ तो जिथे माइनस आ उत्थे मैं डिवाइड लिख रही हाँ तीन माइनस अठ पांच चाली प्लस दो डिवाइडेड बाय दस यद बन जाना एक वटा पांच हूँ देखो ये रकम प्लस हो रही है ठीक है तीन माइनस चाली च प्लस हो रहा एक वटा पांच तो यदा मतलब की है इतने भी आंसर साडा पॉइंटा च ही बनूगा क्लीयर तो इस करके मैं इनू भी रिजैक्ट करता हूँ मैं लै रही हाँ ऑप्शन डी ऑप्शन डी दे विचों कहिंदा डिवाइड नू प्लस लिख दो ते प्लस नू डिवाइड हुण मैनू दिख रही हाँ कि अठ सीधा ही दो ते पूरा पूरा वंडिया जाऊगा आंसर मैनू मिल जाना वा क्योंकि एको ऑप्शन रह गई जब एको ऑप्शन रह गई तो चेक करन दी भी नहीं लोड़ हुंदी डी ऑप्शन ही लगा दी दी आ तां हुण देखो तीन चार पांच मैं तुहानू दिखा रही हाँ कि तेरह बन रहे हैं अठ पांच चाली ठीक है सब तो पहला असं डिवाइड खत्म करते हैं बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग इतने आ गया चार माइनस दस बी माइनस दस तेई माइनस दस तेरह बन गया तेरह तो यही साड़ा राइट आंसर से मैं इस करके डी तो नहीं शुरू किया क्योंकि आंसर पहले ही मिल जाना सी तो आप ऑप्शन चैक नहीं कर पाना सी इस तरह तो ऑप्शन चैक करन तो हुण तुहानू पता लग गया ना कि डिवाइड है जिहड़ा आंसर पॉइंट च लिया आऊगा तो साढ़े को तेरह बनना चाहिए तो तेरह तो असं अंदाजा लगा सकते हैं कि कहड़ा आंसर साडा आऊगा ठीक है अगे हाँ जी अगे है चौबी प्लस छे गुणा तीन डिवाइडेड बाय तीन माइनस वन तो मैं इस स्टेटमेंट थोड़े लिए इस करके बोलती हाँ ता जो तुसी प्लस या गुणा दे साइन दे विच ना कहो कि पता नहीं लग रहा प्लस पाया कि गुणा पाया ठीक है ज़्यादातर होंदा है तो इस करके हुण देखो चौबी मैं पहला ए ऑप्शन चैक कर रही हाँ वो कहिंदे प्लस नू गुणा लिख दो ते गुणा नू प्लस आप लिख दिता माइनस वन हुण देखो चौबी गुणा छे प्लस तीन डिवाइडेड बाय तीन माइनस वन तीन नाल तीन कैंसल चौबी गुणा छे प्लस वन माइनस वन क्योंकि एक ती है ती है एक ती है ती है तो इतने एक आ गया ए प्लस का ए माइनस का कैंसल हो गया छे चौका चौबी छे दुनी बारह तो एक सौ चुताली तो साढ़े को बन ही नहीं रहा मैंने तो इतों ही पता लग गया सीगा कि चौबी नू छे नाल गुणा करांगे तो ये स्टेटमेंट थोड़ी ज़्यादा वड्डी हो जूगी सानू तो चौदह चाहिए इस करके आंसर नहीं होगा ठीक है तो तुसी भी थोड़ा जिहा बस एक दो मिनट लई करके देखोगे आप तो तुहानू भी इदां दे अंदाजा लगन लग जाणगे तुहानू अपने आप ट्रिक आ जिहड़ी वो माइंड दे विच आउणी शुरू हो जूगी ठीक है मैं तुहानू पहले ही कहा कि एग्जाम दे विच तुसी सी जां डी ऑप्शन ही चैक कर सकते हो जेकर ना बने फिर तुहानू बी भी करनी पैनी है क्योंकि बहुत घट चांस है कि बी बने हाँ जी अगे उन्हें कहा कि गुणा माइनस नू चेंज कर दो तो गुणा की जगह पर मैं माइनस लिख लिया डिवाइडेड बाय तीन माइनस की जगह तो गुणा लिख लिया ठीक है क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं चौदह बना सी तो चौबिया के सब तो पहला तो असी डिवाइड खत्म करना ठीक है डिवाइड खत्म करांगे तीन ना तीन वटा तीन नाल गुणा एक आ गया क्लीयर होया तो तीन नाल तीन कैंसल एक गुणा एक एक ही रह जाना इतने चौबी प्लस छे माइनस एक चौबिया के छे जोड़े ती माइनस एक कि बन गया उन्ती ये भी साडा आंसर नहीं बनूगा तो ऑप्शन सी भी चैक करनी पैनी है थोड़ा इस तरह हाँ जी जो तुसी कैलकुलेशन अपनी फास्ट हुई होंगी है ना तो मिनट हो जाते हूँ मैं तुम्हें समझा रही हाँ इस करके टाइम लग रहा हो सकता तुम्हें टफ भी लगन लेंथी भी लगन पर तुसी आराम नाल कर सकते हो एग्जाम के अगे देखो चौबी प्लस छे हुण उन्हें बोलिया प्लस तो डिवाइड नू चेंज करना तो मैं डिवाइड चेंज कर रही हाँ प्लस की जगह पर डिवाइड तो डिवाइड की जगह पर प्लस चौबिया छे ते डिवाइड किया छे चौका चौबी ठीक है गुणा तीन
माई प्लस तीन माइनस एक। तो एक थोनों इतने ट्रिक दस दी हाँ, जिमें देखो चौबी प्लस छे आ, जे असी गुणा पावे तो 144 बन गया सी, जे असी इन्हों ऐड किया तो 30 बन गया। सानू आंसर 14 चाहिए, पिछले नंबर बहुत छोटे आ, ठीक है। तो इस करके थोनों पता लग जाना चाहिए कि जिदे प्लस नाल डिवाइड होवे ओही आंसर होगा, क्योंकि प्लस नाल डिवाइड प्लस ते डिवाइड नूं जदों असीं चेंज करांगे फिर ये नंबर साडे कोल मूल वाला छोटा हो जूगा, तो सानू 14 आसानी नाल मिल जाना। तो इत्थे डिवाइड ते प्लस ही सी ना, डिवाइड आ गया तो आंसर यही हो सकता। करके देखते हैं, चार गुणा तीन प्लस तीन माइनस एक, चार तीए बारह प्लस तीन माइनस एक, बारह तीन पंद्रह माइनस एक चौदह। हाँ जी, चौदह ही बनना होना सीगा, असी चौदह बन गया, तो ऑप्शन सी ही इतने राइट आंसर है कि डिवाइड ते प्लस तो आंसर आ जिहड़ा वो साडा बन जाएगा। तो तुसी देख सकते हो कि जो मैं प्लस करांगे तो 30 बन गया, असी 14 बनाउणा स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वड्डी बनेगी, ठीक है। गुणा होगा तो उस तो भी वड्डी बनूगी, इस करके ज़्यादातर चांस आ कि हो सकता इतने जो असी डिवाइड करिए उदों ही आंसर आए। तुसी भी इस तरह सोच सकते हो, बस एक दो बार प्रैक्टिस की लोड़ आ। हाँ जी, अगला सवाल असी करते हैं। हाँ जी, अगे तुसी देख सकते हो नैक्सट सम, ये थोड़ा होर भी टफ लैवल का है। तो इस तरह के सम भी तुहानू आ सकते हैं कि जेकर माइनस का अर्थ डिवाइड, प्लस का अर्थ गुणा, डिवाइड का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ प्लस होवे, तां हेठां लिखियां चार ऑप्शन दे विच्चों केड़ी ऑप्शन सही होवेगी। तो ये भी ऑप्शन दे विच ही फिल करके चैक करने पैने आ। शॉर्ट ट्रिक यही आ कि सी या डी ऑप्शन ही होवेगी, ठीक है। सी या डी ऑप्शन जदों भी इस तरह के सम आते हैं मोस्टली चांस हुंदा सी या डी ऑप्शन की। तुसीं देखिया होना मैथमेटिकल ऑपरेशन दे विच सम आते हैं कि प्लस का अर्थ भरा, ब्लड रिलेशन दे विच आउंदे आ, माइनस का अर्थ माता, जो उस तो बिना डिवाइड का अर्थ पिता, तो इन्हां दे विचों किहड़ा रिश्ता सही होवेगा, है ना। तो उस समय भी डी सी जां डी ऑप्शन ही सही होंदी आ। तो इत्थे भी बस मतलब बहुत घट चांस आ भी ए जां बी ऑप्शन होवे। तो शुरू करते हैं आपां ए ऑप्शन तो ही। वह कहिंदे जेकर माइनस का अर्थ डिवाइड, हाँ जी माइनस का अर्थ की आ डिवाइड आ, तो मैं डिवाइड लिखता माइनस की जगह पर, प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, अते डिवाइड का अर्थ माइनस होवे, ठीक है। ये साइन मैं सारिया दे विच ही पहले ही चेंज कर दिनी है, क्योंकि मैं तो कल्ली कल्ली ऑप्शन चेंज करनी है। जेकर माइनस का अर्थ डिवाइड, माइनस नूं आपां हरेक किते डिवाइड लिख दिंदे आ, इसे करके मैं मार्कर भी चेंज किया, माइनस का अर्थ डिवाइड। उस तो बाद प्लस का अर्थ गुणा, हाँ जी प्लस का अर्थ की आ गुणा, प्लस का अर्थ हैगा गुणा, प्लस का अर्थ भी गुणा हो गया। इतने डी ऑप्शन मैं दोनों साइड डिवाइड पाया पाया, मैनू नहीं पता कि केड़ी ऑप्शन इतों सही हो सकती है, ठीक है। मतलब बाय मिसटेक लिखते लिखते तो ये गलती मेरे तो हुई है, मैं एक बार चैक कर लें। तां इत्थे डिवाइड ही है, माइनस नहीं गा, डी ऑप्शन दे विच माइनस नहीं गा, किते भी डिवाइड ही है। मैं बस चैक किया कि किते मैं गलत ना लिख दिता होवे। जेकर इन्हां दोनों दे विच डिवाइड आ गया ना, तो मतलब ये ऑप्शन तो थोड़ी हुण कदे भी नहीं हो सकदी। तो मैं तुहानूं बोलिया सी जां डी ऑप्शन होगी, तो मतलब सी यही ऑप्शन बनूगी। फिर भी मैं तुहाडे सामने तुहानूं करके दिखाऊंगी ये, ठीक है। जे अपनी सी ऑप्शन आ गई तो देख लैंदे आ। हाँ जी, आपां सी तक ही सॉल्व करदे आ। फिर यह मेरे वालों तो एक तरह का रिजैक्ट हो गया, बाकी आप चैक भी कर लाँगे, ठीक है। उस तो बाद कहें डिवाइड का अर्थ माइनस आ, डिवाइड का अर्थ माइनस आ, ब्लैक मार्कर नाल लिख रही हाँ मैं, माइनस माइनस भर दिने क्योंकि आंसर माइनस च बनूगा, इस करके दो बार डिवाइड आ गया, दो बार माइनस आ गया, ज़्यादातर चांस है कि माइनस च ही बने, बाकी पता नहीं देख लाँगे करके। अगे तुसी देखो उन्हें बोलिया गुणा का अर्थ प्लस, हाँ जी गुणा का अर्थ प्लस, जिथे गुणा उथे असी प्लस पाता, क्लीयर। तो प्लस का अर्थ की सीगा, प्लस का अर्थ गुणा सीगा, तो प्लस का अर्थ गुणा, जिथे प्लस लिखिया उथे गुणा कर दो, हाँ जी। अगे तुसी देखो ए ऑप्शन चैक करते हैं, ए ऑप्शन दे विच की है कि 18 गुणा 14
18 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 24 ਤੇ 18 गुणा 14 दोनों गुणा ही हो रहे हैं तो डिवाइड भी 24 हो रहे हैं इस करके कोई फर्क नहीं पैंदा कि बिना गुणा किए भी मैं डिवाइड लिखदा ठीक है प्लस 12 माइनस 16 हुण देखो इहनू तुसीं छोटे तो छोटे टेबल ते भी कट कर सकते हो 6 चौका 24 ते 6 तीए 18 उस तो बाद तुसीं इहनू कट कर सकते हो 2 ते 2 दुनी 4 7 दुनी 14 हुण देखो 7 ही है 21 बटा 2 बन गया आंसर पॉइंटां दे विच आऊगा पर सानू 12 चाहीदा ਇਹਦਾ मतलब ए ऑप्शन तो कदे भी नहीं हो सकती नाल दी नाल सी ऑप्शन ते आ जाने चलो जे बी करनी है तो बी भी तुसी कर सकते हो पहला 16 गुणा 14 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 18 गुणा 12 ठीक है इतने भी सेम ही अपने को चौकम चौकी 16 6 चौका 24 क्लीयर उस तो बाद 2 दे टेबल ते कट किया इतने बन गया 3 तो देखो हुण 12 14 एकम 14 14 दूना 28 / 3 ठीक है तो 28 / 3 तो आता 3 के भाड़े 28 नहीं आता तो यह मतलब ये साढ़े को पॉइंटा जाऊगा ये ऑप्शन मैं रिजैक्ट करती ए ऑप्शन मैं पहले ही रिजैक्ट की सी ऑप्शन ही राइट होगी करके देख लें 26/12 / 12 -16 + 18 ठीक है 12 / 24 तो तुसी 12 नाल 12 भी कट कर सकते सी डायरैक्ट कोई फर्क नहीं पैना सी तां भी प्लस 18 हुण देखो पहला प्लस वाले ऐड कर रही हैं जिहड़े पॉजिटिव आ 8 4 किन्ने हुंदे आ 12 2 ते 1 3 ते 1 4 42 माइनस 16 ठीक है 12 चों 6 गए 6 12 चों 6 गए 6 ठीक है उस तों बाद तुहाडे कोले बन गया 3 इत्थे आ गया 26 तो 26 ही चाहिए सी मैनूं 26 बन गया दैट मीनस ऑप्शन सी ही इत्थे राइट आंसर है कि साइन चेंज करन तों बाद सी ऑप्शन दी समीकरण ठीक है इत्थे देखो दो जगह ते माइनस आ गया माइनस माइनस की हुंदा प्लस साडे कोले प्लस माइनस दे 28 बन जाने सी माइनस दे 28 ठीक है उस तों बाद तुसी देखो माइनस दे 28 तो भी किते वध 16 दे नाल 12 ने गुणा भी होना सी हजे क्योंकि गुणा दा निशान विचकार ठीक है तो कित्थे जाके माइनस वाला तो साढ़े को इत्थे है ही नहीं गा इस करके जे डिवाइड भी हुंदा तां भी ये आंसर नहीं होना सीगा हाँ जी इस दे नाल साडी अज दी ये वीडियो खत्म हुंदी है ये वीडियो तुहानू किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स के जरूर दस देना जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना धन्यवाद जी थैंक्स फॉर वॉचिंग